please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. के आलापुरा जिले के एक बाढ़ राहत शिविर में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहुंची, जिन्होंने बाढ़ का सितम झेल रहे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। केरल के अलग अलग जिलों में रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 16 बाढ़ राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। जिस शिविर में नीता अंबानी पहुंची, वो ऐसे ही शिविरों में एक था। नीता अंबानी ने राहत शिविर में मौजूद बच्चों से काफी देर हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की। बच्चों ने बाढ़ की मुसीबत से जुड़ी पेंटिंग भी बनाई थी। नीता अंबानी ने न केवल ये पेंटिंग देखी बल्कि बच्चों की तारीफ भी की। राहत शिविर के बाकी सामान के साथ साथ शिविर में मौजूद बच्चों को पढ़ाई का सामान भी दिया गया। केरल की मदद के लिए आगे आए लोगों की भी नीता अंबानी ने तारीफ की। So heartwarming to see even on television how everybody's come together to help humans who are in misery. नीता अंबानी ने दावा किया कि बाढ़ की तबाही के बाद राज्य में नए स्कूल बनाने में भी रिलायंस फाउंडेशन मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी मुलाकात की। नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मदद की राशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया और बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राज्य की बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 21 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री पी विजयन को दिया गया। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए की राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। राहत सामग्री में कई दिन तक इस्तेमाल होने लायक खाने पीने का सामान और दवाएं शामिल हैं। सेटिंग अप दीस रिलीफ कैंप्स एट रिलायंस फाउंडेशन वी आर कमिटेड टू हेल्प इन मेकिंग अ न्यू केरला। केरल के कई जिलों में रिलायंस फाउंडेशन की टीमें 14 अगस्त से ही तैनात हैं। ये टीमें SDRF के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाने के काम में लगी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 35 से पर सुनवाई होगी। इस मामले में CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बार फिर सुनवाई टालने की मांग को लेकर अर्जी दायर की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू होने की दलील देते हुए सुनवाई टालने की मांग की है। अनुच्छेद 35 के तहत राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार मिले हैं। कोई भी दूसरे राज्य का रहने वाला जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। आर्टिकल 35 के साथ जम्मू कश्मीर के नागरिक भावनात्मक रूप से जुड़े बताए जाते हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा को विशेष अधिकार देता है जिससे राज्य के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय होती है। ये दूसरे राज्य के लोगों को वहाँ संपत्ति खरीदने और उसका मालिकाना हक हासिल करने से रोकता है। इसके अलावा दूसरे राज्य से आए लोग वहाँ हमेशा के लिए बस नहीं सकते हैं और न ही राज्य की ओर से मिलने वाली योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए लोग जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी भी नहीं पा सकते। यही नहीं, आर्टिकल 35A के तहत अगर कोई महिला राज्य से बाहर शादी करती है तो पैतृक संपत्ति का उसका अधिकार छिन जाता है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की निगरानी और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी जांचने के लिए अपना नेटवर्क बढ़ाने की योजना तैयार की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी जांचने वाले स्टेशनों की संख्या 89 से बढ़ाकर 141 किए जाने की योजना है। CPCB की इस योजना के तहत गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में कम से कम 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। आमतौर पर प्रदूषण की निगरानी करने वाले एक स्टेशन को बनाने पर 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन CPCB ने सस्ते सेंसर की मदद से इसका खर्च घटाकर 5 लाख रुपए से भी कम करने का दावा किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत IIT कानपुर ने दिल्ली में हवा की क्वालिटी जांचने के लिए नवंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच इस तरह के 20 सस्ते सेंसर लगाए, जिसके बाद CPCB ने दावा किया कि नए स्टेशन बनने के बाद हवा में प्रदूषण के सही स्तर को मापने में मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। राजस्थान के दौसा में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बिहार के सिवान में पुलिस ने छापे के समय पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब को नष्ट कर दिया। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में केकी डांस चैलेंज के समय चलती गाड़ी से उतरकर डांस करने के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पुलिस ने करीब 70 ग्राम हेरोइन के साथ एक नाइजीरियन को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने पर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कुछ लोगों ने एक पत्रकार सुरेंद्र चेतवानी पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। FIR हो गई है, वेतना के दौरान जो भी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के इलाहाबाद में एससी एसटी एक्ट में संशोधन और प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने अब पुलिस वालों के परिजनों को अगवा करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 5 पुलिस वालों के परिजनों को अगवा कर लिया है, जिसमें अधिकतर पुलिस वालों के बच्चे हैं। साथ ही कुछ आतंकियों ने पुलिस कर्मियों के घर में तोड़फोड़ भी की है। पुलिस मुख्यालय ने अपने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने की हिदायत दी है, जबकि अगवा किए गए पुलिस वालों के परिजनों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। रिफत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रिफत, कब की ये घटना है और ये घटना चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पुलिस वाले और एसपीओ निशाने पर थे, लेकिन अब उनके परिवार वाले आतंकियों के निशाने पर हैं। देखिए जसप्रीत, यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई है, खास तौर से पुलिस के लिए। जिस तरीके से कल से जो है परसों से अबडक्शन शुरू हो गया है, खासतौर से मिलिटेंटों की तरफ से। दरअसल कल भी जो है पुलिस ने एचएम के कमांडर जो है रियाज न्याकू के फादर को गिरफ्तार किया, इसी तरीके से एक और कमांडर के भाई को भी गिरफ्तार किया गया। तो हो सकता है उसका ये रिएक्शन हो कि शाम को जो है काफ़ी घरों में जो है मिलिटेंट दाखिल हो गए और वहाँ पे अबडक्ट किया कुछ लोगों को जो रिश्तेदार हैं, किसी का भाई था और किसी का बेटा था। तो उससे पहले भी एक दिन जो है एक पुलिस वाले के घर में मिलिटेंट गए और वहाँ से उनका बेटा जो है, एक पुलिस वाले का बेटा, उसको जो है किडनैप करने की खबर जो है वो फैल गई। तो इसी तरह से कि ये भी खबर आई कि कुछ जो पुलिस वाले हैं उनके घरों में मिलिटेंट गए और वहाँ तोड़फोड़ की। हो सकता है वो रिएक्शन उस चीज़ का हो कि पुलिस ने उनके साथ चुप किया, तो ये हो सकता है कि ये उसका रिएक्शन हो। लेकिन जिस तरीके से पुलिस लगातार टारगेट पे है, एक दो दिन पहले जो है 4 पुलिस वालों की मौत हुई, 4 पुलिस वाले जो है उन पे फायरिंग की गई शुपया में और उनकी वहाँ पर मौत हुई। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरे साउथ कश्मीर में जो है पुलिस जिस तरीके से टारगेट पे है, अब पुलिस के लिए एक चुनौती और बढ़ गई है। हालांकि उनसे कहा गया है कि वो सतर्क रहें, इस तरीके की एडवाइजरी पहले भी जारी की गई थी। 2 बार पुलिस वालों को कहा गया था कि वो अपने घर जाने से पहले, या अगर कोई फौजी भी घर जाता है, वो पहले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, लोकल पुलिस स्टेशन को। लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर में राज्यसभा सांसद अमर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर अमर सिंह की टिप्पणी सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग भड़क गए। जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अमर सिंह के समर्थकों के साथ बहस शुरू हो गई, देखते ही देखते वहां धक्का मुक्की होने लगी। हंगामे की वजह से अमर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर जानी पड़ी, लेकिन हंगामे से पहले उन्होंने आजम खां पर बड़ा हमला बोला और उन्हें झूठ बोलने में माहिर बता दिया। ऐसे लोग जो दंगे की बात करते हैं, बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को तेजाब से जलाने की बात करते हैं, तौबा। हंगामा कर रहे लोगों ने अमर सिंह पर आजम खां का वीडियो दिखाकर गलत शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। आरोप है कि हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने उन पर मेज और कुर्सियां भी फेंकी। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऋषिकेश के तमाम घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पुलिस चौकी समेत गंगा आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा का पानी शिव की मूर्ति तक पहुँच गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में यात्रियों से भरी एक बस पानी में डूबी सड़क को पार करने लगी। वहां हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया और बाढ़ का पानी सड़कों पर भरने से वो तालाब में तब्दील हो गई। पानी में डूबी ऐसी ही एक सड़क पर यात्रियों से भरी एक बस आगे बढ़ने लगी। पानी में उतरते ही बस का पूरा पहिया डूब गया। इस दौरान दोनों किनारों पर खड़े लोग चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने किसी की एक नहीं सुनी और आगे बढ़ता रहा। गनीमत ये रही कि उस वक्त पानी का बहाव रुका हुआ था और बस धीरे धीरे सुरक्षित निकल गई। इस दौरान कुछ लोग घुटनों के ऊपर तक पानी में डूबकर सड़क के उस पार जाते दिखाई दिए। उधर जबलपुर में भी भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां बने बरगी बांध के गेट खोल दिए गए। बांध प्रशासन ने बताया कि वहां बने 21 में 11 गेटों को खोला गया, जिनसे करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जोधपुर डिवीजन को छोड़कर राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्र संघ चुनावों को लेकर आज मतदान होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छात्र संघ चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। भले ही दोनों पार्टियां सीधे चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन दोनों दलों ने अपनी अपनी छात्र इकाइयों के जरिए पूरी ताकत झोंकी है। मतदान से एक दिन पहले जयपुर में एनएसयूआई प्रत्याशी पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। छात्र संघ चुनाव के लिए मतगणना 11 सितंबर को होगी।
छात्र ग्रुपों में आपस में झगड़ा हुआ और इस हद तक हुआ कि एक छात्र के तो 8 टाके आए। ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कांग्रेस इस समय भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जिस छात्र के नेता के लगी वो NSA के कार्यकर्ता है और उसका आरोप है कि भाई सरकार ऐसा कर रही है। बड़ा हंसी आती है, सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार का सीधा सीधा छात्र संघ चुनाव में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है, क्योंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन उसको इस तरह से लिया जाए कि द्वेषता का प्रदर्शन हो और किसी को मारने तक पर आमदा हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और सरकार को तत्परता के साथ उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस साल मानसून के तेवर कई जगहों पर बदले नजर आए और यही वजह है कि इस साल सबसे ज्यादा बारिश के मामले में मेघालय के चेरापूंजी का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के चेरापूंजी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हुई। 1 जून से 28 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक महाबलेश्वर में 5,619 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले साल पूरे मानसून सीजन में हुई बारिश से भी 100 मिलीमीटर ज्यादा है। जबकि इसी दौरान चेरापूंजी में 4,730 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले साल से 2,230 मिलीमीटर कम है। आमतौर पर मई से अक्टूबर तक चलने वाले बारिश के मौसम में चेरापूंजी में 8,000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून के दौरान मेघालय में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। चेरापूंजी का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है, जहां 1860 में 26,471 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बिहार के कैमूर में 600 बच्चे नदी पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ये बच्चे हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर पांव नाव के जरिए नदी पार करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव के लोग बेहद परेशान हैं। बच्चों समेत गांव के लोग जल्द ही नदी पर पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लोग बारिश होता है तो पिछला जाते हैं तो गिर जाते हैं। मैंने स्कूल आते हैं कि नहीं? हम लोग रोज स्कूल रोज आते हैं, लेकिन कभी डूब जाता है तो चले जाते हैं। अच्छा, मैंने पूरा मैंने नदी भर जाता है तो आप लोग नहीं मैंने नाव नहीं चल पाता है? सर कभी और नाव जब छोड़ देता है तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बहुत परेशानी होती है सर, कभी काल के अगर नदी बढ़ी घटी तो हमें आने में और परेशानी होती है। जैसे बच्चे गिर जाते हैं, अत्यधिक लड़के होने के कारण एक ही नैया है और कभी काल के नाव डूब जाती है जिसमें कितने लोगों को चोट लग जाती है। केरल